वालों पर चला प्रशासन का चाहू। चार दुकानों को किया गया सील, बाजार में मचा हड़कंप। पूरा मामला बताएं कि कस्बा बिसोली का है, जहां दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए चार दुकानें सील कर दी। हम बता दें कि आज SDM तहसीलदार करणवीर सिंह, CO राघवेंद्र सिंह, कोतवाल पंकज लवानिया कस्बा में गश्त को नगर का जायजा लेने निकले थे, तभी कुछ दुकानें ऐसी खुली मिली जो प्रशासन की गाइडलाइन को ठेंगा दिखा रही थी। प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए चार दुकानों को सील कर दिया, जिससे नगर में हड़कंप मच गया और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भागने लगे। CO राघवेंद्र सिंह ने बताया कि ये लोग नियम का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इन पर ये कार्यवाही करनी पड़ी। इसके बाद SP देहात के नेतृत्व में वाहन चेकिंग चलाया गया, जिसमें चार दोपहिया वाहन के चालान काटे गए और एक को सीज किया गया है। शासन के निर्देशों के अनुसार आज CM बिसोली, तहसीलदार बिसोली, SHO बिसोली के साथ मैं फोन से बाजार में अभियान चलाया गया, जिसमें जो अनधिकृत रूप से दुकानदार खोले थे उनमें से चार दुकानों को सील किया गया है। और इसके अलावा जो बिना मास्क लगाकर तीन सवारी लेकर और बिना हेलमेट के और दो सवारी बिठाकर जो पहिया वाहन निकल रहे थे उनमें चार जो पहिया वाहनों को सील किया गया है और करीब 8 या 9 गाड़ियों का चालान हुआ है। जुर्माने की कार्रवाई चल रही है और चालान की कार्रवाई भी चल रही है। शाम तक इसकी संख्या और बढ़ेगी और सभी को सचेत रहने के लिए और सभी को मोटिवेट किया गया है कि सभी लोग मास्क लगाकर निकलें। निर्धारित जो दुकानें हैं जो उनके दिवस निर्धारित किए गए हैं जिन दिवसों पर खुलेगी उन्हीं दिवसों में अपनी दुकानें खोलें और फालतू दुकानें न खोलें।